good morning students today we are going to continue our chapter that is globalization and globalization and the indian economy and the indian economy today we are going to continue our chapter and today's here topic is foreign investment policy what is the globalization we already discussed and now we will discuss about the foreign investment policy in the globalization here your topic is foreign investment foreign investment policy in globalization it is your topic beta as you know that about the globalization globalization is a sharing of the views ideas technologies etc okay the policy of foreign investment adopted by the government also affect globalization to a large extent it restrict or encourage foreign investment seeing the situation in the country barrier is one such foreign investment policy beta इट इज द डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट गिविंग द परमीशन टू द फोरन टू इन्वेस्ट देअर मनी इन द कंट्री और नाउट बेटा ये डिपेंड करता है किस पे आपकी गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट परमिशन देती है किस चीज के को कि फॉरेन आपकी कंट्री में आकर क्या करता है इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा ठीक है क्लियर बेटा ट्रेड बैरियर्स इज वन सच फॉरन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बेटा क्लियर हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होती है व्हेन द फॉर इन्वेस्ट इन द इन हर कंट्री दैट इज कोल्ड यर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इन अबाउट द पॉलिसी वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक ओके ट्रेड बैरियर्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द ट्रेड बैरियर्स कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं ट्रेड बैरियर ट्रेड बैरियर इट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बैरियर क्या होते हैं बेटा बैरियर जो क्या करते हैं बाधा डालते हैं जैसे आपके रोड्स नहीं होते बेटा रोड्स पे आपके स्टॉपर लगे होते हैं और जो आपके ब्रेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं आपकी स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं सेम थिंग्स क्या होती है ट्रेड बैरियर्स ट्रेड को रोकने के लिए कुछ क्या होते हैं बेटा पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे ठीक है इट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज एक फ्री ओपन डोर पॉलिसी बेटा ओपन डोर पॉलिसी ओपन डोर पॉलिसी क्या है ओपन डोर पॉलिसी वॉज एडोप्टेड बाय द चाइना इन 1978. 1978 में चाइना ने क्या किया था ओपन डोर पॉलिसी अडोप्ट किया था इट मीन्स इफ एनी कंट्री ऑफ द एनी कंपनी ऑफ द चाइना वॉन्ट्स टू सेट देयर बिजनेस इन द अनदर कंट्री देन ही और शी कैन डू ओके एंड इफ एनी अनदर कंट्री कंट्री वॉन्ट टू सेट देअर कंपनी इन द चाइना दट कंट्री ऑल्सो डू ओके बेटा तो ये क्या है ओपन डोर पॉलिसी की चाइना में किसी भी तरीके का कोई ट्रेड बैरियर नहीं है कोई टैक्स नहीं है ट्रेड बैरियर बेटा व्यापार पे क्या होना बैरियर रुकावट होना जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं ये आप एग्जाम्पल ले लो इंडिया इट इज योर इंडिया ये क्या है आपका मतलब ए, यहां से क्रॉस होके क्या है ये आपका U.S.A. यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम हेयर वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ टू कंट्रीज ओके वन ऑफ इंडिया सेकेंड वन इज यूएसए मतलब इंडिया क्या करता है इफ uh, अगर इंडिया की कोई कंपनी क्या करती है यूएसए में अपने प्रोडक्ट को क्या करती है सेल करती है सेंड करती है तो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा टैक्स पे करना पड़ेगा ठीक है सेम हियर बेटा कंपनी को यहां पे जो बॉर्डर क्रॉस करने के परमिशन देती है जो गवर्नमेंट उसका टैक्स पे करना पड़ेगा सेम हियर इफ द यूएसए वांट्स टू सेट देयर कंपनी इन द इंडिया देन द यूएसए हैव टू गिव द टैक्स टू द गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया विल परमिट टू द यूएसए ओनली देन द यूएसए कैन सेट देयर बिजनेस इन द इंडिया ओके बेटा Uh, तो ये क्या है बैरियर है अगर इंडिया यहां पे इंडिया क्या कर देता है हाई टैक्स लगा देता है हाई लेवल टैक्स लगा लेता है तो अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में थाउजेंड का है बेटा ठीक है कोई प्रोडक्ट इंडिया में थाउजेंड का है और यहां पे इंडियन गवर्नमेंट पे उस, उसको कितना फाइव हंड्रेड बेटा क्या कर दिया टैक्स इंपोज कर दिया उसके ऊपर तो क्या होगा यूएसए में उसको कितने में सेल करना पड़ेगा फिफ्टीन फिफ्टीन हंड्रेड में उसको सेल करेंगे ना फिफ्टीन हंड्रेड में सेल करने के बाद अगर यूएसए में ही उस प्रोडक्ट की क्या है आ, उसका रेट है ट्वेल्व हंड्रेड तो यूएसए के लोग किसको चूज करेंगे तो ऑब्वियसली अपनी ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ना अगर वो इंडिया के प्रोडक्ट के बारे में इंडिया का प्रोडक्ट अच्छा है इसके बारे में सोचे भी तो नहीं सोच पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे क्यों रीजन क्या है इसकी कॉस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ये बना कितने मैन्युफैक्चरिंग रेट है इसका बेटा थाउजेंड रुपीज सिर्फ उसको टैक्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया इंडियन कंपनी को टैक्स यहाँ पे देना पड़ा जिससे इसकी रेंज क्या हो गई हाई हो गई इसीलिए क्या हुआ ये ट्रेड बैरियर बन गया ट्रेड बैरियर बन गया मतलब इंडिया के लोग दूसरी कंट्री में फॉरेन कंट्री में ट्रेड करने के लिए अब क्या करेंगे सोचेंगे क्यों सोचेंगे क्यों क्योंकि बेटा वो देखेंगे ना कि उनका क्या हो रहा है आ, कि उनके ट्रेड को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर इसके ऊपर फिफ्टी या हंड्रेड का टैक्स होता तो भी वो क्या करते सोचते बेटा इजीली कि हम क्या कर सकते हैं फिफ्टी हंड्रेड का टैक्स प्रोवाइड करके अपनी सेल कर सकते हैं अनदर मार्केट में है ना तो ये क्या है ट्रेड बैरियर जो हमें ट्रेड बैरियर क्या है जो आपके ट्रेड को करने में क्या करता है रोक लगाता है ठीक है टैक्स और इम्पोर्ट्स इट एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रेड बैरियर सेम हियर टैक्स अब यहाँ पे जो टैक्स लगता है टैक्स इज द बैरियर ऑफ द ट्रेड ओके टैक्स ऑन इम्पोर्ट टैक्स ऑन इम्पोर्ट मतलब अपनी कंट्री में जो हम अगर यूएसए हमारी कंट्री में कोई अपना प्रोडक्ट सेल करता हैं तो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट विल इम्पोज द टैक्स ऑन दोडक्ट ठीक है टैक्स ऑन इम्पोर्टेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रेड बैरियर इट इज कॉल्ड ए बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बिन सेटअप क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा होता है इंस्ट्रिक्शंस हैज सेटअप इसके ऊपर कुछ सम इंस्ट्रक्शंस लगी होती है दैट्स वाई विज दैट इट इज अ बैरियर इन द ट्रेड ओके क्लियर बेटा गोट इट अबाउट द ट्रेड बैरियर क्लियर

Got it, beta? First policy clear, beta? Trade barrier. Government use trade barriers to regulate foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. Similarly, quotas. Quotas, beta? Like the trade barrier. Second thing is quotas. Quotas are a way... ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड अब ये क्या है कोटास कोटास क्या है जैसे बेटा यहाँ पे तो क्या हो गया कि हमने टैक्स इम्पोज कर दिया अब क्या है कोटास का मतलब एक पर्टिकुलर नंबर अमाउंट की क्या है अमाउंट फिक्स किया जाता है नंबर फिक्स किया जाता है कि सिर्फ इतनी ही चीज इतनी ही थिंग्स क्या की जाएगी इम्पोर्ट की जाएगी और एक्सपोर्ट की जाएगी ठीक है ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट क्लियर बेटा क्या फॉरन uh, इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट पॉलिसी का फर्स्ट स्टेप क्या है दैट इज ट्रेड बैरियर कुछ बैरियर लगाए जाते हैं टैक्स इंपोज किया जाता है कोटा uh, या क्वांटिटी फिक्स की जाती है कि कितना कंट्री से बाहर आएगा बाहर जाएगा और कितना कंट्री के अंदर आई जाए ठीक है सेकेंड वन इज दैट इज रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरन ट्रेड ऑन फोरेन ट्रेड क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है बेटा दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट

वेल्थ सिस्टम था वो बहुत डाउन था इंडिया में पॉवर्टी थी तो इसीलिए हमने क्या किया था मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड दैट दैट इन कंट्री द इंडियन विल यूज़ ओनली डोमेस्टिक थिंग्स सिर्फ वो क्या करेंगे अपनी डोमेस्टिक थिंग्स को यूज़ करेंगे ओके okay, बेटा क्यों करेंगे इफ द इंडियंस विल यूज द डोमेस्टिक थिंग देन द ओनली इंडियन कंपनीज विल विल बी गेट द प्रॉफिट है ना इफ वी सेल एंड परचेज द फॉरेन थिंग्स देन द फॉरेन या द फॉरेन कंपनीज विल गेट द प्रॉफिट अगर क्या करेंगे बेटा हमारी इंडियन जो कं जो कम्युनिटी है इंडियन पीपल है अगर हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमारी कंपनीज का क्या होगा हमारी इंडियन कंपनीज का प्रोफिट होगा एंड एज यू नो दैट ऑल द प्रॉफिट ऑल द टैक्सेस आर गिवन बाय द पब्लिक गोंग टू द गवर्नमेंट वो कहाँ जाते हैं गवर्नमेंट में जाते हैं कोई एक कंट्री है एक कंपनी है बेटा लाइक कंपनी ये हम ले लेते हैं टाटा कंपनी टाटा कंपनी क्या है अगर ऑल द इंडियंस यूज द टाटा प्रोडक्ट देन वी विल गिव द प्रॉफिट टू द टाटा कंपनी ना टाटा कंपनी को क्या होगा प्रॉफिट होगा अगर हम सारे उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे तो डायरेक्टली वो क्या करता है टाटा कंपनी हैव हाँ टू तो गिव द टैक्स टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट को वो टैक्स देती है ना तो उसका जो प्रॉफिट हो गया उसका कुछ परसेंट पार्ट कहां चला गया गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कहाँ पे इन्वेस्ट करती है बेटा ओब्वियसली पब्लिक के ऊपर तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस पे यूज होता है हमारे ऊपर यूज होता है लेकिन अगर क्या है वी परचेज द गुड्स फ्रॉम द फॉरेन ये कंपनी फॉरन कंपनी फॉरेन कंपनी से अगर हम उसको क्या करते हैं प्रोडक्ट uh, को परचेज करते हैं दैट वी विल वी आर गिविंग द बेनिफिट वी आर गिविंग द प्रॉफिट टू द ओनर कंपनी ओके तो उसका हमारे कंट्री के आ, से कोई प्रॉफिट नहीं होता बेटा सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रॉफिट होता है ठीक है तो यहां पे क्या है आर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट ऑन फॉरन ट्रेड जैसे कि मतलब अभी यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ करंट सिचुएशन द इंडियन गवर्नमेंट पुट सम बैरियर्स इन द एप्स एप्रोक्सीमेट वन फिफ्टी एप्स हैज बीन बैंड इन इंडिया है हाँ ना तो इंडिया में क्या हो गया इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ना फॉरेन ट्रेड पे फॉरेन ट्रेड क्या था पहले हम क्या करते थे एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते बेटा हम जो चाइना है चाइनीज ऐप का यूज करते थे लेकिन अब इंडिया ने क्या कर दिया है उसके ऊपर बैन लगा दिया है ना ठीक है इस क्यों लगा है ताकि हम क्या करें अपने प्रोडक्ट का यूज करें और जो पब्लिक का पैसा है अगर पब्लिक अपनी ही कंपनीज के प्रोडक्ट को यूज करेगी तो उन्हीं की अ, मतलब उस कंट्री की प्रोडक्ट कंपनी का प्रॉफिट होगा और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कंपनी किसको टैक्स प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उस टैक्स को कहाँ यूज करेगी पब्लिक पे जो आपकी मनी है वो आपकी कंट्री में ही रह जाएगी ठीक है तो ये क्या है बेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्मेंट ऑफ इंडिया हैड पुट बैरियर ऑन फॉरन ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरन कंपिटिशन एज द इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द नाइनटीन फिफ्टी एंड नाइनटीन सिक्सटी एट द टाइम इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ऑनली इसेंशियल आइटम सच एस मशीनरी फर्टिलाइजर्स पेट्रोलियम एक्सेट्रा एट द टाइम द इंडियन गवर्नमेंट परमिट गिव परमीशन टू ओनली एसेंशियल थिंग्स विच आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर एस एट द टाइम ओनली इंडिया गिव द परमीशन टू इम्पोर्ट द ऑल द नेसेसरी थिंग्स विच आर नॉट इन द इंडिया ठीक है जो इंडिया में नहीं है सिर्फ इंडिया ने उन uh, इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ उन मशीन मतलब उन थिंग्स को क्या करने की इम्पोर्ट करने की परमीशन uh, दी थी अदरवाइज Uh, उस टाइम पे क्या था आपके फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्या कर दिया गया था पैन लगा दिया था ठीक है बेटा थर्ड वन इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेटा वन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कम्स इन द नाइनटीन नाइनटी वन नाइनटीन नाइनटी वन ग्लोब तो ये क्या किया गया बेटा ये आपका जो सेकंड फाइन है रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरन ट्रेड फॉरन ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई थी बेटा वाई बिकॉज द इंडियन गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट आर इंडियन प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द फॉरन कंपीट बिकॉज आर गवर्नमेंट Knew that if the competition is there between the foreign and the Indian companies, then com Indian companies will defeat it. Why, beta? Because the Indian com uh, companies will not uh, was not having the uh, techniques at that time. ओके बेटा बिकॉज इंडिया वॉज द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री एट द टाइम एंड नाउ या आफ्टर दिन नाइनटी वन द इंडियन गवर्नमेंट रियलाइज दैट आर कंट्री नाउ नाउर कंपनीज आर एबल टू कम्पीट विद द ग्लोब ट्रेड है ना तो उन्होंने क्या किया ओपन डोर पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया बेटा ठीक है Around the 1991, it was felt that Indian producers must compete with producers around the globe so that they can improve their production and quality of goods and service. As you know that if the competition is there in the class, what is meant beta, a class classmate competition hoga that the students will do the work very properly and very goodly. है ना बेटा अगर कंपटीशन है आपकी क्लास में तो बच्चे जो हार्डवर्क करें वो और ज्यादा हार्डवर्क करेंगे सेम थिंग सेम थिंग वो थिंकिंग बाय द इंडियन गवर्नमेंट नाउ द इंडियन गवर्नमेंट एडोप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड दे रियलाइज द इंडियन गवर्नमेंट रियलाइज दैट नाउ द इंडियन कंपनीज हैव टू कम्पीट विद ग्लोब कंपनीज इट विल बी वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज क्या क्या होगा ये इंडियन के कंपटीशन अगर इंडियन कंपटीशन करेंगे फॉरेन कंपनीज के साथ तो इंडिया के साथ बेनिफिशियल होगा बेटा क्यों होगा क्योंकि वो उन, उनकी क्वालिटी को देखकर उनको देखकर उनके मन में बेटा और हार्ड वर्क करने की एंड सेकेंड थिंग क्या है अपनी क्वालिटी को और बेटर बनाने की क्या होगी अवेयरनेस आएगी आफ्टर दैट दे कैन डू द वर्क फॉर देयर बेटर प्रोडक्शन ओके क्लियर बेटा Therefore, government of India in the 1991 made some major changes in the foreign investment policy. Uh, foreign investment policy brings some changes. When beta in the foreign investment policy some changes brings in 1991. First one Vita se changes way in the 1991 in uh, foreign investment policy. फर्स्ट चेंज वॉज लिबरलिज्म लिबरलिजेशन या लिबरलिज्म लिबरलिज्म तो क्या था बेटा liberalism क्या होता है लिबरलिज्म या लिबरलिजेशन इज इज ए पॉलिसी इन विच वी गिव द फ्रीडम टू आर बिजनेस मैन टू आर कंपनीज लिबरलिज्म जो बेटा होते हैं लिबरलिज्म क्या कहते हैं दैट द इन इक

matlab, uh, liberalism, uh, believe in the privatization. as we know that before the 1991, in front of us, two options was, were there. first one is that is socialism and second one is capitalism. after the disintegration of the ussr, the india realized that capitalism without the capitalism, faster growth is not possible. okay?

कंपटीशन होना चाहिए कंपटीशन इज विल बी देयर देन द द बेटर गिव द बेटर और बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर कंपनी ओके एंड नेक्स्ट वन इज बेटा विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अब बेटा इससे पहले बिफोर द 1991 व्हाट वाज अ फॉरन पॉलिसी ओल द फॉरन पॉलिसी वॉज द अंडर ऑफ गवर्नमेंट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट यू कैन से गवर्नमेंट इंडिया के इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड था कि उसने क्या किया हुआ था ट्रेड पे आपका टैक्स इम्पोज किया हुआ था बिफोर द नाइनटीन नाइन्टी वन द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड दैट विच थिंगस वी हैव टू इम्पोर्ट एंड विच थिंग्स वी हैव टू एक्सपोर्ट एंड इन विच अमाउंट ओके बट आफ्टर द नाइनटीन नाइनटी वन now uh, the owner can decide that uh, which thing they have to import or export okay beta. now the government imposes less restrictions than before and it therefore considered to be more liberal Now uh, government ne kya kiya beta? as i told you the that what is the meaning of the liberal uh, liberalization or liberalism liberalism says that the uh, in the market competition should be there, no intervention, no uh, interference of the government in the trade. that is the view of your liberalizations people, which are influenced by the karl marx theory. and uh, you can say after the 1991, india adopted the liberalization, and uh, under the liberalization now, the businessmen are free to import and export all these things which they require okay beta today's we will uh, sorry today's topic is completed beta and to, tomorrow we will discuss about the world trade organization that what is the world trade organization and what is the role of the wto in the globalization got it beta uh, टिल नाउ इफ एनी टाइप ऑफ क्यूरी टू यू इन द चैप्टर इन दिस चैप्टर टिल नाउ देन यू कैन आस्क टू मी बेटा ओके यू कैन कमेंट